SC ST एक्ट में बदलाव की वजह से मोदी सरकार के सामने जो तूफान आया था वो बड़े मुश्किल से उसका सामना कर पाई थी। लेकिन अब बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने SC ST एक्ट को जातिवाद से जोड़कर ऐसा बयान दे दिया है जो मोदी सरकार के सामने ना सिर्फ नई मुसीबत लाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को चुनौतियों में भी घेरेगा। SC ST एक्ट में छेड़छाड़ से दलितों का आक्रोश किस कदर सातवें आसमान पर पहुंचता है इसका सबूत 2 अप्रैल 2018 की ये तस्वीरें हैं। पिछले साल SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव का फैसला क्या किया कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं। संसद से सड़क तक दलितों ने ऐसा मोर्चा खोला कि आखिरकार सरकार को कानून लाकर एक्ट में बदलाव को रोकना पड़ा। इस बदलाव के बाद दलितों के बगावती तेवर तो शांत हो गए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने SC ST एक्ट को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनके गुस्से की आग फिर भड़क गई है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आज जातिवाद केवल SC ST एक्ट की वजह से है, अगर इस कानून को खत्म कर दिया जाए तो छुआछूत भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि SC ST एक्ट और आरक्षण ने ही समाज में जातिवाद को जिंदा कर रखा है। ये पहला मौका नहीं है जब सुरेंद्र सिंह ने SC ST एक्ट निरस्त करने की वकालत की हो। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मिली हार को भी सुरेंद्र सिंह ने SC ST एक्ट में बदलाव की वजह बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलटती तो आज सवर्ण हमसे नाराज नहीं होते और ये तीनों राज्य कांग्रेस के हाथ में न जाते। इस बयान के बाद कांग्रेस समेत कई दलों ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। वहीं अब एक बार फिर उनके बिगड़े बोलों से दलितों का आक्रोश भड़कने वाला है। इसका खामियाजा सरकार को उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। सूबे में करीब 20.7% दलित आबादी है जिसके लिए 14 लोकसभा और 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। यूपी में अब तक बीजेपी दलितों को साथ कर सियासी फायदा लेती आई है, लेकिन अब सुरेंद्र सिंह के बयान के बाद उनका साथ छिन सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।